यशपाल शर्मा जी आज बुलंदशहर महोत्सव में बुलंदशहर में शिरकत करने पहुंचे हैं, जानते हैं उनके आगे आने वाली कितनी फिल्में हैं और क्या क्या उनका भविष्य का प्लान है? अभी तो मैं जिन फिल्मों के प्रमोशन के लिए आया हूं वो तो एक तो इंटरनेशनल फिल्म जो काफ़ी अक्लेम हो चुकी है और 100 दिन लग चुकी है हरियाणा में, जिसने 71 इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिए हैं, नेशनल अवार्ड भी जीत लिया है उस फिल्म की, उसके लिए क्योंकि मैं उसको री रिलीज करवाना चाहता हूँ, थोड़े दिनों में इसकी प्लानिंग चल रही है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा घूम रहा हूँ ताकि अवेयरनेस हो उस फिल्म की, क्योंकि वो एक यूनिक फिल्म है। दूसरा फिल्म है एक जो अभी 7 अप्रैल को रिलीज है, एंड एज एन एक्टर परफॉर्मेंस वाइज मैं कह सकता हूँ दिस इज माई बेस्ट फिल्म टिल नाउ। और ये क्योंकि हर आदमी बोलता है कि मेरी फिल्म, इसलिए मैं बेस्ट हेयर बोलता हूँ, लेकिन ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में एक अलग काम हुआ है, अलग कहानी है। कौशिक कर ने डायरेक्ट किया है, बंगाली लड़का है, बहुत ही कमाल का टैलेंट है, जिसने पूरी टीम को इकट्ठा करके एक अपने आप में ऐतिहासिक फिल्म बनाई है उसने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये फिल्म सही से क्लिक हो गई और सही से लोगों ने देख लिया, सही जगहों पर लग गई और देख लिया, तो ये फिल्म एक माइलस्टोन फिल्म रहेगी और ऑस्कर में भी चली जाए, किस में भी चली जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो इंटरनेशनल और हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखने को मिला है, चाहे वो अल पचिनो की फिल्में हों, चाहे मार्लिन ब्रांडो की फिल्में हों, चाहे बहुत सारी फिल्में मुझे याद हैं जो कुछ फिल्में, उससे कोई कहीं कम नहीं है फिल्म। सर, उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है जो सियासी गलियारे में और मनोरंजन के गलियारे में एक सच्चा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को कमज़ोर करने की ये साजिश रची जा रही है। नहीं, कमज़ोर तो कोई किसको क्या करेगा, लेकिन मैं तो खुद इस पक्ष में हूँ कि अलग अलग जगहों पर, ताकि लोकल लोगों को जो बॉम्बे नहीं जा सकते हैं उनके लिए एक ड्रीम है, उनके लिए भी तो कुछ होना ही चाहिए ना, उसमें बॉलीवुड कमज़ोर क्यों कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि उसका तो अभी OTT भी आया है, ये भी हुआ है, लेकिन जो मज़ा आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, जो मज़ा सिनेमा हॉल के अंदर बैठ करके उस फिल्म देखने का आता है वो कहाँ मिलेगा, वो नहीं है। ये सब वो बातें हैं, वो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, मैं तो खुद इस पक्ष में हूँ कि जगह जगह अलग अलग जगहों पर फिल्म सिटी बने, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जाना, जो टैलेंट भरा पड़ा है, सारे टैलेंट को तो बॉलीवुड भी नहीं दे सकता ना काम, तो वो काम बट जाए और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग यूपी में भोजपुरी काम हो, अवधी काम हो, अलग अलग उसके तरीके के काम हो, और इसी तरह राजस्थान में और तरीके के काम हो, हर जगह फिल्म सिटी होएगा तो वहाँ के लोगों को टैलेंट को मौका मिलेगा। सर, बॉलीवुड पे एक आरोप लगता आया है कि भाई भतीजावाद वहाँ चलता है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना दावा है? देखो, मान लो मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है और हीरो बनना चाहता है और मैं उसको लॉन्च करूँगा, ठीक है, अगर उसके अंदर दम होएगा तभी तो चलेगा ना, पब्लिक मंगा के भगा देगी। आप खुद देख लो ना, जो इमरान खान था, एकाया था, आमिर खान का भतीजा या क्या था, कहाँ चला? तो जिनको जो जिसके अंदर टैलेंट नहीं होगा वो कैसे चलेंगे? वो एक बार मौका मिल जाएगा, दो बार मिल जाएगा, लेकिन उनको कहाँ से लाएंगे? वो इरफान खान का टैलेंट कहाँ से लाएंगे? नवाजुद्दीन का टैलेंट? तो वो जो टैलेंट तो होना ही चाहिए ना, तो वो अगर नहीं है तो आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि एवरेज एक्टर भी कोई ज़्यादा देर चलने को नहीं है। अभिषेक बच्चन को भी देख लो, इतने साल हो गए तब जाके अब ढंग के काम करने लगे हैं, नहीं तो करने लगे हैं, तो उनको भी तो उनका अपना स्ट्रगल है, तो उनका उनको हमको तो बल्कि कह देना चाहिए कि भाई मिल गया, अब साबित करके दिखाओ। हर कोई तो साबित नहीं करता, कर पाता ना, तो ये तो टैलेंट है, टैलेंट होगा तो आदमी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि एक भिखारिन भी गाना गाती है तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है, तो सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है, वैसे रील बन रही है, हर आदमी देख रहा है, तो आदमी को टैलेंट दिखाने का मौका तो मिल रहा है अभी भी। तो बॉलीवुड में मिसाल के तौर पर गाँव देहात के लोग अगर जाएं और उनमें टैलेंट कूट कूट का भरा हो, क्या ऐसे लोगों को आज भी चांसेस, जैसे पहले कहानियां दिखती थी कि भाई एक आदमी गया, किसी की जेब में 10 रुपए थे और वो सुपरस्टार बन गया, क्या आज भी वो कहानी सच साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जहां चाह है वहां राह है, और जहां पैशन है, जुनून है, आग है, तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ, किसी के भरोसे क्यों जाओ? आज तो आप अकेले भी शॉर्ट फिल्म बना लो ना, 500 5 लाख रुपए में
50,000 रुपए में शॉर्ट फिल्म बन जाएगी आपकी, 10 मिनट की बन जाएगी, आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, यूट्यूब में डाल दो, कोई किसी का किसी ने कोई रोका है तो। आजकल तो आपका कोई मतलब वो है ही नहीं, बहाना है ही नहीं कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप साथ नहीं दे रहे, मेरा ये नहीं हो रहा, बॉलीवुड में साथ नहीं दिया, ये भाई भतीजावाद, ये सब बहाने हो गए। अब तो सामने आपके सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल हाथ में है ना, ये अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री है। आप बनाइए अपना काम और डालिए यूट्यूब के अंदर। आपने कितने लोग हैं जो यूट्यूब में लाखों रुपए कमा रहे हैं अपना चैनल चला करके, तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना, वो तो आपके हाथ में है। आप साहित्य पढ़िए ना, अच्छा प्रेमचंद की कहानियां, उदय प्रकाश की कहानियां, आप फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियां पढ़िए, आप कीजिए अपने दोस्त के साथ मिलकर के और 50-60 लोग इकट्ठा करके दिखा दीजिए, वो भी अपने आप में टैलेंट है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कहाँ कौन देख ले, और रिकॉर्ड कर लीजिए, शॉर्ट फिल्म बना लीजिए, 100 तरीके हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा, अब हमारे टाइम में जब मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, केबल नहीं था, DD1 था, वो था, जब हम गए थे तब बात अलग थी, तब प्रॉब्लम थी ये, लेकिन अब तो बहुत। अभी पिछले कुछ दिनों से देखा गया है सर कि जो कलाकार हैं, जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेज हैं, वो सियासी बयान ज़्यादा देती हैं, मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं, किसी को नेगलेक्ट करती हैं, तो इसको उनको ऐसा करना चाहिए या कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए? बिल्कुल कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, हमारा जो है, हमको काम करना है। हम काम करते हुए ये नहीं देखते कि बनाने वाला कौन सी पार्टी का है या कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। हम एक डॉक्टर की तरह हैं भाई, डॉक्टर ये थोड़ी पूछता है कि हमें तब इलाज करूंगा, आपकी जाति बताओ, आपका धर्म बताओ, ऐसे नहीं होता है। तो अभी वक्त ये थोड़ा सा अगर हुआ भी है तो वो गलत हो रहा है। मैं कभी भी, क्योंकि राजनीति में कर ही नहीं सकता, राजनीति में क्यों वो करूं, और अगर मैं अपना काम छोड़ के वो करूंगा तो फिर मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए, फिर राजनीति करनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, अभी पठान सुपर डुपर हिट हुई, तमाम बायकॉट चला, बायकॉट गैंग एक्टिव हुए, लेकिन बावजूद उसके उनने बम्पर कलेक्शन किया और शानदार परफॉर्मेंस किया देश में और विदेश में भी। तो इसको लेकर के आप क्या ये मानते हैं कि जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं वो कुछ एक हैं, जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद आज भी बहुत ज़्यादा है? नहीं देखिए, ये तो शाहरुख खान का जलवा कायम हुआ है, और कहानी वहानी तो कुछ थी नहीं फिल्म के अंदर, मैंने देखी है, कहानी वहानी नहीं थी, लेकिन हाँ एक बच्चों को देखने की या यंग जनरेशन के लिए जो एक मसाला था वो पूरा वो फुल था, और गाने जो थे वो जिसमें नंगापन दिखाया उसकी ज़रूरत भी नहीं थी फिल्म के अंदर, उसके वो नहीं होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे, मेरे हिसाब से। और देखो ये फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, और फिल्म खराब होगी तो नहीं चलेगी, बस मैं तो इस फंदे को जानता हूँ। और अभी इस फिल्म में खासकर लेकिन अलग हुआ, इस फिल्म में शाहरुख खान का स्टारिज्म काम कर गया है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है तो इसलिए हिट हो गई है। और बॉलीवुड को ऑक्सीजन मिला है क्या उससे? पता नहीं, मैं बॉलीवुड के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुडी एक्टर नहीं हूँ, ना मैं पार्टियों में जाता हूँ, ना मैं अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान कंसंट्रेट करता हूँ और वही करता हूँ अभी तक, और अभी भी इसी के लिए आया हूँ। आपका जो किरदार था वो आज भी इतना दमदार था कि आज भी लोग याद करते हैं? नहीं बिल्कुल है, गंगा जल अपहरण वगैरह कुछ फिल्म में, लेकिन वो तो रात गई बात गई। शानदार आपका, इतना शानदार था कि आज भी लोग आपको इतना याद करते हैं? नहीं, आप सारी फिल्में भूल जाएंगे, अभी 7 अप्रैल को छिपकली देखिएगा, आप सारा पिछली जितनी भी मेरी फिल्में हैं सारी भूल जाएंगे, परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ, तो छिपकली देखना ना भूलिए। तो साफ तौर पर यशपाल शर्मा जी थे जो बेहद शानदार कलाकार हैं, और देश का प्रेम हमेशा यशपाल शर्मा जी को मिलता रहा है। कहना है कि कलाकार को कलाकार ही रहना चाहिए, बाकी किसी भी पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।